हम गांव से पढ़कर आईएएस बने हैं। अभी स्थिति बहुत बेकार है बिहार का। देखिए, वो उनको आईएएस का अनुभव जरूर है लेकिन गांव की तजुर्बा नहीं है। गांव के तजुर्बा और आईएएस बनने में फ़र्क है। आईएएस बन गए, अच्छी बात है, शुभकामना हम लोग देते हैं, पढ़कर लिखकर के बने, गांव से बने, अच्छी बात है, लेकिन गांव के लोगों की क्या समस्या है वो नहीं जानते हैं। गांव में पीने का पानी नहीं था बिहार में, गांव में बिजली नहीं थी घर घर में, गांव में दलितों के मोहल्लों में, पिछड़ों के मोहल्लों में नली नहीं था, गली नहीं था, शौचालय नहीं था। ये कहाँ था बिहार और कहाँ नीतीश कुमार पहुँचा है? तो ये नीतीश कुमार का जो सोच है, विजन है, वो आईएएस के पास नहीं है। आईएएस तो आदेश का पालन करता है। हम मंत्री हैं, हम तो कम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम भी गांव में पैदा हुए हैं, हम गांव से पैदा होकर के राज्य की सरकार में मंत्री हैं, मौका मिला मंत्री बनने का। तो जो हमारी सोच है वो आईएएस की सोच नहीं हो सकती है। हमारी सोच है गरीबों की कैसे उठान करें, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, जो सरदार पटेल ने कहा, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि कैसे इस राज्य की तरक्की हो सकती है, कैसे गरीबों का भला हो सकता है, ये हमारी सोच है, उनकी सोच नहीं है। और उनकी सोच से राज्य और देश नहीं चल सकता। तो क्या सलाह देना चाहते हैं आरसीपी? मैं सलाह ये देना चाहता हूँ कि आईएएस की ट्रेनिंग आपने लिया, आईएएस के पदाधिकारी के पद पर है, तो आप क्यों आप रिजाइन करके चले आए? रिजाइन करके आए हैं तो गांव में चौपार पर कभी बैठे हैं? गांव में अभी जाते हैं तो 40 गाड़ी लेके जाते हैं, तो 40 गाड़ी से ले जा रहे हैं तो गांव का आदमी कोई आपको सुनने आता है? गांव के लोगों के कुछ बात समझते हैं, सुनते हैं उससे? गांव के आदमी से न बात करते हैं न सुनते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में गए थे, चुनाव जो हो रहा था लोकसभा का, कौशलेंद्र कुमार जी खड़े थे, थरथरी ब्लॉक के किसी गांव में उनसे पूछा कि रोड नहीं बना है, बिजली नहीं आई है। बोले मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो देखने के लिए आया हूँ, वोट मांगने में नहीं आया। उपेंद्र कुशवाहा मीत सस्पेंड, क्या लग रहा है, पार्टी विलय करेंगे या फिर बीजेपी में शामिल होंगे? अब तो उनकी पार्टी है, विलय करें या अलय करें, जब उनकी मर्जी है सो करें, कौन मना करेगा। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो सम्मान नीतीश कुमार जी ने दिया, जो सम्मान जेडीयू ने दिया, वो सम्मान उपेंद्र कुशवाहा को कहीं नहीं मिल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी यूज़ करेगी, और जिस तरह से दूध में पड़े हुए मक्खी को फेंका जाता है उस तरह से निकाल के फेंकेगी। न उनको कुछ मिला है और न कुछ उनको मिलने वाला है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के जो ठगी का, जो जुमलाबाजी का जो ट्रेनिंग है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो उनका जुमला का, असत्य का सहारा लेकर काम करने की जो उनकी आदत है, उस चक्कर में हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी पड़ गए।